पाचन की प्रक्रिया डाइजेशन प्रोसेस में अगला हम छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छोटी आंत। छोटी आंत के प्रारंभ के भाग को कहते हैं जो अमाशय से जुड़ा होता है, इसे कहा जाता है ग्रहणी। ग्रहणी में यकृत, लीवर तथा अग्नाशय पेनक्रिया संयुक्त रूप में खुलते हैं। ग्रहणी या डियोडेनम, इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है छोटी आंत का अग्रभाग डियोडेनम, ग्रहणी, ग्रहणी या डियोडेनम, इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का अग्रभाग कहलाता है डियोडेनम, ग्रहणी, जिसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। यकृत, लीवर, पेनक्रियाज, अग्नाशय, ये दोनों संयुक्त रूप में ग्रहणी में खुलते हैं और ये संबंधित होता है अमाशय से। अमाशय से भोज्य पदार्थ सीधे ग्रहणी में आता है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, यह सिर्फ भोज्य पदार्थ तथा लीवर से आने वाले पित्तरस तथा अग्नाशय से आने वाले अग्नाशय रस को भोज्य पदार्थ के साथ मिलाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी ये है डियोडेनम, जिसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, इसमें किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ग्रहणी में पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, इसमें किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, यह है ग्रहणी। अगला डिस्कस हम करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग है, जो यहां से लेकर यहां तक होता है। इसका एक भाग ग्रहणी से जुड़ा होता है तथा इलियम का दूसरा भाग बड़ी आंत के कोलोन से जुड़ा होता है। यह है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग अग्रभाग ग्रहणी से लेकर बड़ी आंत के कोलोन तक रहता है। इसकी कुल लंबाई होती है 5.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक। इस प्रकार से छोटी आंत की कुल लंबाई होती है 6.5 मीटर तक। ध्यान दीजिएगा, यह है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर तक। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है इलियम, यहां से लेकर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन तक, इसे कहा जाता है इलियम, यह है इलियम। ध्यान दीजिएगा, इलियम, इलियम की लंबाई होती है लगभग 5.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक इलियम की लंबाई होती है। इलियम के आंतरिक दीवारों में आंत्र ग्रंथि, ब्रूनर्स ग्रंथि या लीवर कुन ग्रंथि पाई जाती है। इलियम के आंतरिक दीवारों में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां है आंत्र ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि या ब्रूनर्स ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि या ब्रूनर्स ग्रंथि या लीवर कून ग्रंथि, लीवर कून ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और ब्रूनर्स
ब्रूनर्स ग्लैंड और लीबर कून, लीबर कून ग्लैंड। इलियम के आंतरिक दीवारों में पाए जाते हैं आंत्र ग्रंथि ब्रूनर्स, जो हमने यह डॉटेड किया है, ब्रूनर्स ग्रंथि या लीबर कून ग्रंथि, और आंत्र ग्रंथि से निकलने वाला पाचक रस होता है, आंत्र ग्रंथि से निकलने वाला पाचक रस होता है, आंत्र ग्रंथि से निकलने वाला पाचक रस होता है आंत्र रस, आंत्र रस। आंत्र रस में पांच प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, आंत्र रस में पांच प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है इरेप्सिन, ये आपका है इरेप्सिन। इरेप्सिन के द्वारा किया जाता है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इरेप्सिन के द्वारा किया जाता है प्रोटीन का पाचन, अर्थात अंततः पेप्टाइड्स कन्वर्ट होता है, अंततः पेप्टाइड्स कन्वर्ट होता है अमीनो अम्ल में, यह है प्रोटीन का पूर्णतः पाचन, क्योंकि यह कन्वर्ट हो जाता है अंततः अमीनो अम्ल में, ध्यान दीजिएगा, अंततः यह कन्वर्ट हुआ अमीनो अम्ल में। दूसरा होता है, पहला होता है इरेप्सिन जो करता है प्रोटीन का पाचन, दूसरा होता है इसमें भी पाया जाता है लाइपेज, जैसे कि हम जानते हैं यहां पर था आपका अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस, जिसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है प्रोटीन का पाचन, लेकिन वहां पर पेप्टोन कन्वर्ट हुआ था पेप्टाइड्स में, और यहां इरेप्सिन के द्वारा पेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाता है अमीनो अम्ल में, वहां भी लाइपेज पाया जाता है, अग्नाशय रस में भी पाया जाता है लाइपेज, वसा का वहां पर 60% पाचन हो जाता है, लेकिन बचे हुए 40% पाचन होता है आंत्र रस में पाए जाने वाले लाइपेज के द्वारा। तो यह लाइपेज करता है वसा का पाचन, वसा का पाचन, अर्थात इमल्सीकृत, इमल्सीकृत वसा को यह कन्वर्ट करता है वसा अम्ल, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल तथा यह ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। इसके अतिरिक्त तीन अन्य एंजाइम्स पाए जाते हैं जो करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम्स है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो इस प्रकार से तीन अन्य एंजाइम्स पाए जाते हैं जो करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन। पहला एंजाइम्स है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये आपका है माल्टेज, माल्टेज, माल्टेज एंजाइम्स के द्वारा माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप। अगला एंजाइम्स होता है सुक्रेज, सुक्रेज, सुक्रोज को कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और अगला एंजाइम होता है लैक्टेज, लैक्टेज, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो इस प्रकार से आंत्र रस के द्वारा अंततः सभी प्रकार के जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का अंततः पूर्णता पाचन हो जाता है। इसीलिए आंत्र रस को कहा जाता है पूर्णतः पाचक रस, इसीलिए इसे कहा जाता है पूर्णतः पाचक रस। ध्यान दीजिएगा, आंत्र रस के द्वारा में पाया जाता है पांच एंजाइम्स, इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। इरेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है जो होता है पेप्टाइड्स कन्वर्ट होता है अमीनो अम्ल में। दूसरा है लाइपेज, वसा का पाचन करता है जो इमल्सीकृत, बचे हुए 40% इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने के लिए तीन एंजाइम्स है जो आंत्र रस में मिलते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, और लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन छह प्रकार के हार्मोन बनाता है, और इन हार्मोन को विभिन्न पाचक ग्रंथियों में भेजता है। ध्यान दीजिएगा, तो छोटी आंत से छह प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छोटी आंत,
से निकले छोटी आंत के इलियम पोर्शन से छह प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। छोटी आंत से निकले छह हार्मोन, छोटी आंत से छह प्रकार का हार्मोन निकलता है, जिसमें से पहला है एंटेरो गैस्ट्रोन, दूसरा है हिपेटो क्राइनिन, तीसरा हार्मोन है कोली सिस्टो काइनिन, ये क्राइनिन है जबकि ये काइनिन है। एंटेरो गैस्ट्रोन हिपेटो क्राइनिन कोली सिस्टो काइनिन, अगला है सिक्रिटिन, पांचवा है पैंक्रियो जाइमिन, और छठवां हार्मोन छोटी आंत से निकलता है एंटेरो, जैसा कि इसका नाम है एंटेरो गैस्ट्रोन, लेकिन इसका नाम है एंटेरो, यहां का जोड़ देना है क्राइनिन, एंटेरो क्राइनिन, ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत से छह विशेष प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो विभिन्न प्रकार के पाचक ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, पाचक रस छोड़ने के लिए या पाचक रस को छोड़ने से रोकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले यह छोटी आंत के इलियम पोर्शन से छह प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहला है एंटेरो गैस्ट्रोन, यह हमारा है, यहां से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है, छोटी आंत के इलियम पोर्शन से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है एंटेरो गैस्ट्रोन, और यह हार्मोन यहां से निकलकर इस प्रकार से ट्रैवल करते हुए ग्रहणी से यह सीधा पहुंचता है आमाशय में। एंटेरो गैस्ट्रोन, ध्यान दीजिएगा, एंटेरो गैस्ट्रोन छोटी आंत के इलियम में हार्मोन बनता है एंटेरो गैस्ट्रोन, और यह जाता है इस प्रकार से छोटी आंत के इलियम पोर्शन ग्रहणी से होते हुए सीधा आमाशय में, और यह आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में चूंकि हम जानते हैं यहां पर है जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, तो एंटेरो गैस्ट्रोन जठर रस को निकलने से रोकता है, अर्थात एंटेरो गैस्ट्रोन जठर ग्रंथि के पास आता है और जठर ग्रंथि से जठर रस को निकलने से रोकता है। यह जठर रस को निकलने से रोकता है, ध्यान दीजिएगा, एंटेरोगैस्ट्रोन जठर रस को निकलने से रोकता है, जठर ग्रंथि के पास आता है और जठर ग्रंथि को जठर रस निकलने से रोकता है, जठर रस निकालने से रोकता है। तो इस प्रकार से यह रोकने का काम करता है एंटेरोगैस्ट्रोन जठर ग्रंथि, आमाशय के जठर ग्रंथि के पास आता है और जठर ग्रंथि को जठर रस निकालने से रोकता है। अगला है दूसरा हिपेटोक्राइनिन, छोटी आंत के इलियम भाग में अगला हार्मोन बनता है हिपेटोक्राइनिन इस प्रकार से ट्रेवल करते हुए आता है और यह इस प्रकार से इस मार्ग से ट्रेवल करते हुए जाता है, यहां से जाता है और सीधा पहुंचता है यह यकृत में, ध्यान दीजिएगा, यकृत में पहुंचने वाला हार्मोन है जो छोटी आंत से आ रहा है हिपेटोक्राइनिन, यहां आता है हिपेटोक्राइनिन, यकृत में आता है हिपेटोक्राइनिन, अर्थात हिपेटोक्राइनिन
से उत्तेजित होने वाला अंग है यकृत, जबकि एंटेरो गैस्ट्रोन से उत्तेजित होने वाला अंग है आमाशय में पाए जाने वाला जठर ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, हिपेटोक्राइनिन इस प्रकार से यकृत में आता है और यकृत को उत्तेजित करता है कि आप पित्तरस का श्रावण कीजिए। तो यह पित्तरस के श्रावण को बढ़ाता है, पित्तरस के श्रावण हेतु, श्रावण हेतु, पित्तरस के श्रावण हेतु यकृत को उत्तेजित करता है, पित्तरस को श्रावण करने बोलता है, पित्तरस को श्रावण करने बोलता है यकृत को। तो हिपेटोक्राइनिन एक हार्मोन होता है जो यकृत में आता है और यकृत को कहता है कि आप पित्तरस को श्रावित कीजिए। तो इस प्रकार से पित्तरस आकर स्टोर हो जाता है पित्ताशय में। इसके बाद अगला जो हार्मोन है ये है कोलीसिस्टोकाइनिन, कोलीसिस्टोकाइनिन अगला है कोलीसिस्टोकाइनिन। इलियम से इस प्रकार से ट्रैवल करते हुए आता है कोलीसिस्टोकाइनिन और ये आता है पित्ताशय में, ये आता है पित्ताशय में कोलीसिस्टोकाइनिन, ये आता है पित्ताशय में। ध्यान दीजिएगा, कोलीसिस्टोकाइनिन आता है पित्ताशय में, ये इससे उत्तेजित होने वाला अंग है पित्ताशय। पित्ताशय को ये पित्तरस इस प्रकार से ग्रहणी में छोड़ने बोलता है। कोलीसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को पित्तरस, पित्तरस को ग्रहणी में स्रावित करने बोलता है। जैसे कि हिपेटोक्राइनिन एक हार्मोन है जो पित्तरस को, जो यकृत को कहता है, ये यकृत को कहता है कि आप पित्तरस को स्रावित कीजिए। तो इस प्रकार से पित्तरस आता है पित्ताशय में, पित्तरस आता है पित्ताशय में। जबकि कोलीसिस्टोकाइनिन जो कि पित्ताशय को उत्तेजित करता है और यह कहता है कि पित्तरस को ग्रहणी में छोड़िए, तो इस प्रकार से ग्रहणी में पित्तरस आ जाता है। अगला है सिक्रेटिन, अगला हार्मोन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन से प्रभावित जो ग्रंथि है यह है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि को प्रभावित करता है सिक्रेटिन। यहां इलियम से सिक्रेटिन नामक हार्मोन जाता है और यह इस प्रकार से ट्रैवल करते हुए पहुंचता है, इस प्रकार से ट्रैवल करते हुए पहुंचता है अग्नाशय में और अग्नाशय को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, अगला है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन से प्रभावित, सिक्रेटिन से उत्तेजित होने वाला अंग है अग्नाशय। यह अग्नाशय को कहता है कि आप अग्नाशयी रस को, अग्नाशय को कहता है कि आप अग्नाशयी रस को स्रावित कीजिए ग्रहणी में। तो इस प्रकार से सिक्रेटिन नामक हार्मोन से अग्नाशय अंग उत्तेजित होता है और अग्नाशय रस को ग्रहणी में छोड़ता है। अगला पांचवा है, पांचवा हार्मोन है पैंक्रियो, पैंक्रियोजाइमिन, पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन का भी सेम यही कार्य है, यह भी अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है और अग्नाशयी रस को ग्रहणी में छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। तो इस प्रकार से सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन ये दोनों के दोनों उत्तेजित करते हैं अग्नाशय को। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छठवां है, एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन नामक हार्मोन इलियम में ही बनता है और यह इलियम में ही रहता है। यह इलियम, छोटी आंत के इलियम को उत्तेजित करता है कि आप आंत रस को छोड़िए। तो इस प्रकार से एंटेरोक्राइनिन छोटी आंत के इलियम को ही, छोटी आंत के इलियम को ही उत्तेजित करता है ताकि इलियम आंत रस का श्रावण करे और आंत रस भोज्य पदार्थों से मिल जाए। तो इस प्रकार से छोटी आंत से छह प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एंटेरो गैस्ट्रोन, हिपेटोक्राइनिन, कोलीसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, पैंक्रियोजाइमिन तथा एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोगैस्ट्रोन से प्रभावित या उत्तेजित अंग होता है जठर ग्रंथि और यह जठर रस को निकालने से रोकता है, अर्थात यह उसे छोड़ने के लिए नहीं बोलता बल्कि निकलने से रोकता है और बाकी सब निकालने के लिए उत्तेजित करते हैं। हिपेटोक्राइनिन नामक
हार्मोन यकृत को उत्तेजित करता है और यकृत को पित्तरस को पित्ताशय में छोड़ने बोलता है। कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन पित्ताशय को उत्तेजित करता है और इसमें पित्तरस को ग्रणी में छोड़ने बोलता है। सिक्रेटिन तथा पैंक्रियोजाइमिन ये दोनों अग्नाशय को उत्तेजित करता है और अग्नाशय रस को ग्रणी में छोड़ने बोलता है। एंटेरोक्राइनिन इलियम छोटी आंत के इलियम को प्रभावित करता है और इसको आंत रस को छोड़ने बोलता है। छोटी आंत के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ी आंत, ध्यान दीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत के द्वारा अंततः भोजन का पूर्ण पाचन किया जाता है और उसके बाद अवशोषण किया जाता है, अर्थात पचित भोज्य पदार्थ अर्थात अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल तथा ग्लूकोज को रक्त में मिलाया जाता है और अपचित भोजन को भेजा जाता है बड़ी आंत के कोलोन में। यह है बड़ी आंत का कोलोन वाला भाग। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है कोलोन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यह है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर, जिसमें सबसे लंबा भाग होता है कोलोन। यह पूरा भाग यहां से लेकर मलाशय तक कहलाता है कोलोन। ध्यान दीजिएगा, यह है बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग, जिसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कहलाता है कोलोन, इसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर, अर्थात बड़ी आंत में सबसे लंबा भाग होता है कोलोन। कोलोन का यह वर्टिकल भाग कहलाता है एसेंडिंग कोलोन, यह कहलाता है एसेंडिंग कोलोन। यह हॉरिजॉन्टल वाला भाग कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। यह वर्टिकल भाग कहलाता है डिसेंडिंग कोलोन, यह कहलाता है डिसेंडिंग कोलोन। और ये हॉरिजॉन्टल भाग कहलाता है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ये है बड़ी आंत का अगला भाग मलाशय, जहां पर मल एकत्रित होता है रेक्टम, रेक्टम। और रेक्टम में ये छिद्र होता है जिसे कहा जाता है मल द्वार, एनस, जहां से मल बाहर निकलता है, मल का निष्कासन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में यह 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा यह अंग होता है अवशेषी अंग सीकम, यह है सीकम। दूसरा सीकम से संबंधित यह अवशेषी अंग होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ध्यान दीजिएगा, सीकम की लंबाई होती है 6 से 8 सेंटीमीटर, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई होती है 7 से 9 सेंटीमीटर, और ये दोनों के दोनों मानव शरीर में होते हैं अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग, अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग, जिसका मानव शरीर में कोई काम नहीं होता है। शाकाहारी जंतुओं में सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम होता है सेल्युलोज का पाचन करना, इन दोनों का शाकाहारी जंतुओं में कार्य होता है।
इन दोनों का शाकाहारी जंतुओं में अर्थात सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इन दोनों का शाकाहारी जंतुओं में कार्य होता है सेल्यूलोज का पाचन। शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन, लेकिन मानव एक सर्वाहारी प्राणी है अर्थात सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मानव शरीर में कोई काम नहीं है, इसलिए ये दोनों है अवशेषी या निष्क्रिय अंग। हमारे शरीर में, मानव शरीर में विकार उत्पन्न होने के कारण वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स साइज में बड़ा हो जाता है, जिससे पेट के निचले भाग में दर्द होता है। इस बीमारी को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। ध्यान दीजिएगा, इस बीमारी को कहा जाता है, ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अगर बड़ा हो जाता है तो ये बीमारी कहलाता है अपेंडिसाइटिस, नामक बीमारी होता है जिसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अपने साइज से काफी बड़ा हो जाता है, जिसे काट कर निकालने से यह बीमारी ठीक हो जाती है। वैसे भी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मानव शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपचित भोजन यहां से इलियम से होता हुआ कोलोन में आता है, बड़ी आंत के कोलोन में आता है। यहां पर बड़ी आंत का कोलोन तथा इलियम यहां पर बीच में एक वॉल्व से जुड़े होते हैं। इस वॉल्व को कहा जाता है इलियोसिकल, इसे कहा जाता है इलियोसिकल, इस वॉल्व को कहा जाता है इलियोसिकल, इलियोसिकल वॉल्व का काम होता है। ध्यान दीजिएगा, इलियोसिकल वॉल्व का काम होता है यह अपचित भोजन को इलियम से कोलोन में जाने देता है, लेकिन अपचित भोजन को वापस कोलोन से इलियम में आने से रोकता है। इस प्रकार से अपचित भोजन ट्रैवल करते हुए एसेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन से आता है मलाशय में, तो मलाशय में एकत्रित होता है मल, तो यहां पर होता है मल एकत्रित होता है और मल द्वार द्वारा बाहर निकलता है। मलाशय में होता है मल का संग्रहण तथा मल द्वार द्वारा होता है मल का निष्कासन। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जब मल कोलोन से ट्रैवल करता है तो कोलोन मल से पर्याप्त मात्रा में जल को अवशोषित कर लेता है। ये कोलोन अपचित भोजन से जल का अवशोषण करता है। इसका मुख्य कार्य होता है कोलोन का अपचित भोज्य पदार्थों से जल का अवशोषण। कोलोन का मुख्य कार्य होता है अपचित भोज्य पदार्थ से जल का अवशोषण, यह जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, और अपचित भोजन में जल की इतनी ही मात्रा रहती है जिससे वो कड़ा ना हो, और अपचित भोजन में प्राप्त मात्रा में जल होता है और मलाशय में एकत्रित होता है और मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है, तथा जल की पर्याप्त मात्रा कोलोन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। लेकिन यदि कोलोन जल की अधिक मात्रा को अवशोषित कर ले, तो यहां पर कब्ज नामक बीमारी होता है। यदि कोलन जल का अधिकतम अवशोषण कर ले, तो जो हमारा मल है अपचित भोजन है यह कड़ा हो जाएगा, जिससे बीमारी होती है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, नामक बीमारी होती है। लेकिन यदि कोलोन में कोई विकार उत्पन्न हो जाए और ये जल को बिल्कुल भी अवशोषित ना करे, तो इस केस में मल में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, अर्थात जल का यदि न्यूनतम अवशोषण होगा, अगर बैलेंस अवशोषण नहीं होगा, न्यूनतम अवशोषण होगा, तो इस प्रकार से मल में पानी की मात्रा ज्यादा होगी।
मल में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, मल में जल की अधिकतम मात्रा होगी और हमारे शरीर से मल यहां पर आकर मलाशय में एकत्रित होगा जिसमें काफी ज्यादा जल है और यहां स्पेस कम है, तो यहां पर काफी बार मल का निष्कासन किया जाता है। इस बीमारी को कहा जाता है डायरिया, अतिसार रोग या डायरिया रोग, ध्यान दीजिएगा, यह कहलाता है डायरिया, डायरिया या अतिसार रोग, इस रोग को कहा जाता है डायरिया या अतिसार रोग। तो यह है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन।